Assalamualaikum पाकिस्तान, इंग्लिश का मुहावरा है गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। आप जो ये पिक देख रहे हैं और इसमें दो बर्ड्स की भी तस्वीर देख रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिमाग सबसे ऊपर क्यों दिया है, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाता है इन जानवरों के अगेंस्ट। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिमाग दिया है, हम सबसे अच्छा सोचें, सबसे आला सोचें, जैसे कि अशरफुल मखलूकात सोचते हैं। यहाँ आपको दो बर्ड नज़र आ रहे हैं, एक तरफ चील है, एक तरफ उल्लू है। यूरोप में उल्लू को एक बहुत समझदार परिंदा समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ बेवकूफ़। इसी तरह आप चील को देख रहे हैं, ये चील आप हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आम पाई जाती है और इसका काम ही सिर्फ ये है कि ये करे। इसी तरह हम लोगों के यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जो लोग चील की तरह सिर्फ चाएँ चाएँ करे जा रहे हैं, जो यूरोप में रहने वाले बर्ड्स जिसे हम उल्लू समझते हैं या जो अच्छा सोचते हैं यूरोपियंस, जो अभी तो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा जनाब दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर और देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं। जैसे कि हमने ज़िक्र किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और दिमाग सबसे ऊपर दिया है। दोस्तों आजकल आप फेसबुक पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो भी सोशल मीडिया के देख रहे होंगे कि लवबर्ड्स के हवाले से या दूसरे बर्ड्स के हवाले से बातें हो रही हैं कि ख़त्म हो गया, ये हो गया, बला बला बला, या तो वो लोग बिल्कुल नए हैं या फिर उनमें पैशन की कमी है या फिर वो चीलों से ज़्यादा मुतासर हैं, जो च्यों च्यों जो लगे रहते हैं। अच्छा समझदार इंसान जब देखता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और कुछ पोजीशन डाउन चल रही है, तो वो कुछ आगे का सोचता है। कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपने साथ कुछ ऐसा ऐड करने की कोशिश करती हैं जिससे वो बायर को अपनी तरफ रागिब कर सकें। हम लवबर्ड का काम करते हैं और हम लोग पुरानी म्यूटेशंस को लगा के खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने म्यूटेशन लगाई और हमारी बिक जाएगी। वो लोग हमेशा माजी का हिस्सा बन जाते हैं जो आगे को नहीं सोचते। यहाँ मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहें सीखना चाहें। आप देखें यहाँ पे अल्बिनो ब्लैक आई है, अल्बिनो रेड आई है, डैक इनो है, क्रिमिनो भी आप समझ लें कि यहाँ है। आप इसी तरह आप एक्वा का भी एक पीस देख रहे हैं जो कि फिशरी के अंदर है। अब लोग ब्लैक आई अल्बिनो बेचने जा रहे हैं, नहीं बिकेगा 3000 का, या अल्बिनो रेड आए 8-10 हज़ार का बेच रहे हैं तो वो भी इनको इश्यूज आ रहे हैं। ज़ाहरी बात है जिसने अल्बिनो क्रीम डकीनो लगाए हुए हैं वो क्यों आपसे लेगा। यहाँ ये सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह उसको आप म्यूटेशन के साथ उसकी म्यूटेशन वाइज उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक्वा फिशरी नज़र आ रही है, आप एक अल्बिनो ब्लैक आए हो, अल्बिनो रेड आई हो, या डैक इनो हो, या क्रीमनो हो, इसके साथ पेयर अप करें। इस तरह की एडवांस पेयरिंग करने से आपके पास जो बच्चे आएंगे, मिसाल के तौर पे अल्बिनो ब्लैक आई है जो आपको 3000 का कोई लेने के लिए राजी नहीं, लेकिन जब यही आप बर्ड एक्वा के साथ लगाएंगे तो आपके पास एक्वा इनो बर्ड, या आपके पास एक्वा के साथ आपके अल्बिनो के साथ आपका बर्ड आ जाएगा, वो बड़ा कीमती बर्ड होगा। या डैकिनो के साथ लगाएंगे तो वो आपका एक्वा डैक बर्ड बन जाएगा। इसी तरह आप इसको इनो क्रीमनो के साथ लगाएंगे तो आपका एक्वा इनो बन जाएगा। और आप यकीन जाने ये वो म्यूटेशन है जिस पे अभी तक तो लोगों ने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, करना ही नहीं चाह रहे, या उनको म्यूटेशंस की नॉलेज का पता ही नहीं है। आप इस तरह के अपने बर्ड्स को जो कि 3000-4000 रुपये का आप बेचना चाह रहे हैं, वही आपका बर्ड बहुत कीमती हो जाएगा। अरे बाबा वो बर्ड आम आपका 1 लाख रुपये से ऊपर का जाएगा। मान लेते हैं जी 1 लाख का नहीं जा रहा, 50,000 का तो जाएगा। 1-4 हज़ार का बर्ड, अगर आपका एक बर्ड सिर्फ एक्वा लगाने से ही 50,000-1 लाख रुपये का हो जाएगा और इनो में जाएगा तो और कीमती हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं दिमाग से सोचते, क्यों नहीं अशरफुल मखलूकात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बनाया है उस लेवल पर जाके अपने आप को रख के सोचें। आप क्यों नहीं आगे का सोचते, क्यों आप नेगेटिव लोगों के साथ या उनकी च्यों च्यों चीलों वाली हरकतें या जो उनकी बातें हैं उन पर क्यों आप कान धरते
देते हैं। जिन लोगों को ये काम समझ नहीं आ रहा वो छोड़ दें, लेकिन आप यकीन माने मैं न्यूट्रिशंस का काम करता हूँ और मेरे पास पूरे पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं जो किसी वजह से वो बर्ड लगाना छोड़ बैठे थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी। आप यकीन माने कोई साल बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद दोबारा से पिंजरे खरीद रहा है, बर्ड खरीद रहा है। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, अरे इतने दिन बाद आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रह गए थे? तो कहने लगे अपनी मजबूरियाँ बताने लग गए। तो आप खुदारा अपने बर्ड्स को, जो कि अभी आप समझते हैं जिनकी प्राइजेस नहीं मिल रही, आप उनको म्यूटेशन लगा के अपग्रेड करें, ऊपर लेके जाएं। देखें, आप लोगों को हमेशा ये शिकवा रहा है कि जो आपका सीनियर फैंसियर है वो आपको आगे की वर्किंग नहीं बताता। मैं आमिर सिद्दीकी, हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि जो मैं ख़ुद लगाता हूँ वो आप लोगों को भी बताऊँ, सिखाऊँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आगे का सोचें, अच्छा सोचें और हिम्मत से काम लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर से आपके बर्ड्स और आपकी मार्केट ऊपर जाएगी और आप लोगों के पास क्वालिटी बर्ड होंगे नहीं। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।